चलिए अब बात करेंगे महंगाई राहत कैंप की। राज्य सरकार की ओर से आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी के चलते सिरोही जिले में भी महंगाई राहत शिविर चल रहे हैं, जिनका मुख्यमंत्री सलाहकार और विधायक संयम लोढ़ा लगातार गांव-गांव पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। इस दौरान विधायक संयम लोढ़ा से शिविरों को लेकर सिरोही संवाददाता लियाकत अली ने ली खास बातचीत की। विधायक ने कहा कि शिविर में लोगों का उत्साह मिल रहा है, वहीं बीजेपी की सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाले बयान पर पलटवार करते हुए जमकर निशाना साधा। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा विधायक संयम लोढ़ा ने। सिरोही जिले में महंगाई राहत शिविर आयोजन किया जा रहा है। लगातार मुख्यमंत्री सलाहकार विधायक संयम लोढ़ा शिविरों का निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मुख्यमंत्री सलाहकार विधायक संयम लोढ़ा है। सर, महंगाई राहत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? आप देख ही रहे हो, सुबह से ये 10 बजे से शिविर शुरू हुआ है, अभी तक लोगों का तांता लगा हुआ है। लोगों में भारी उत्साह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कमर तोड़ महंगाई है उससे लोगों को निजात दिलाने में आवश्यक कदम उठा रहे हैं। 100 यूनिट बिजली फ्री किसान के लिए, 2000 यूनिट बिजली फ्री, एक फूड पैकेट अन्नपूर्णा योजना में 125 दिन का रोजगार, चिरंजीवी योजना में इलाज की 25 लाख की मुफ्त सुविधा, दुर्घटना होने पर 10 लाख रुपए की सहायता, ऐसे अनेक ऐसे प्रकल्प उन्होंने दिए हैं। पेंशन बढ़ा करके 1000 रुपये की जा रही है, तो लोगों में भारी उत्साह है। और मुझे उम्मीद है कि जो इस अभियान का 30 जून का समय तय किया गया है, पूरी राजस्थान की पात्र जनता वहाँ पंजीयन करने में सफल होंगे, उनको लाभान्वित करने में सफल होंगे। सर, भाजपा द्वारा कहा जा रहा है कि गहलोत सरकार सस्ती लोकप्रियता हासिल कर रही है। अरे भाई, वो कर रही है तो लोगों को कुछ देर के कर रही है, तुम भी करो ना, तुम्हारे को किसी ने रोका है? मैं भारतीय जनता पार्टी को सलाह दे रहा हूँ कि अशोक गहलोत जिन योजनाओं से लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं, तुम पूरे भारत में करो। पूरे भारत में लोगों को 500 रुपये सिलेंडर दो, पूरे भारत में लोगों की 100 यूनिट बिजली मुफ्त करो, पूरे भारत में किसानों को 2000 यूनिट मुफ्त दो। कौन रोक रहा है? जनता का पैसा है, जनता को दे रहे हैं। कोई अशोक गहलोत अपने घर से नहीं दे रहे, या कोई भी अपने घर से नहीं दे रहा है, पब्लिक का ही पैसा है, आप भी दो। 55 लाख करोड़ का कर्जा देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने लिया, अब तक नरेंद्र मोदी ने 9 साल में 85 लाख करोड़ का कर्जा लिया, लेकिन उसका फायदा किसको हो रहा है? अडानी को, अंबानी को, देश के चुने हुए उद्योगपति हो, उनका पैसा माफ कर रहे हैं वो। हम साधारण लोगों की सहायता करने का काम कर।